नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, लिखेंगे वेग समय ग्राफ से। ग्राफ वाला टॉपिक चल रहा था, वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। विस्थापन ज्ञात करना, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेग समय ग्राफ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विस्थापन ज्ञात करेंगे। वेग समय ग्राफ से क्या हम लोग ज्ञात करेंगे, विस्थापन ज्ञात करना। वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। अब चलिए देखते हैं, अब ग्राफ को बनाते हैं। हमने माना कि ये भी ग्राफ है और ये क्या है, टाइमिंग ग्राफ है। अगर आप कल्पना करें कि कोई यहाँ से इस तरीके से ग्राफ गया, तो इस तरीके से ट्रायंगल बना ओ ए बी, तो ये जो है क्षेत्र जो बनेगा, ये एरिया कवर करेगा, तो ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टी है, टाइम एक्सिस है। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि वी इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, तो डी एस इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, वी इंटू डी टी, यानी वेग वाई पे है और टी क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो लिखेंगे इसलिए वस्तु का विस्थापन बराबर, वस्तु का विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि वेग समय ग्राफ द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, वस्तु का विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना कि वेग समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कहलाता है दोस्तों, वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तो इससे पर रिलेटेड मैंने ग्राफ में कई कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअली आप ध्यान रखना उन चीज़ों को निकालने के लिए। ठीक है, मैंने आपको स्थिति समय ग्राफ बताया, वेग समय ग्राफ बताया, उसके साथ साथ आपको मैंने गति के तीनों इक्वेशंस को बताया, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और देखते हैं सॉल्व करके। देखिए क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वस्तु का त्वरण ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, सी शून्य है, डी नियत है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे डील करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं इसको। कह रहा है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मैं आंसर लिख रहा हूँ, तय की गई दूरी क्या कह रहा है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, टी टू द पावर टू।
तो चलिए, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो कह रहा है कि वस्तु का त्वरण। तो चलिए क्वेश्चन एक कीजिए, लिखेंगे समीकरण एक को डिफ्रेंशिएट करने पर, समीकरण एक को डिफ्रेंशिएट यानी अवकलन करने पर तो क्या आएगा, ds बाई डी टी पावर 2 आएगा, तो 2kT। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भी होगा 2kT। इक्वेशन क्या हो गया, 2। अभी भी हम लोग वेग पर पहुंचे, फिर समीकरण 2 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। समीकरण 2 को डिफ्रेंशिएट करने पर, तो जब आप समीकरण 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, 2kT का पावर 1 कम हो जाएगा तो 2k हो गए, और यहीं क्या कहलाएगा, a बराबर 2k। और ये बताइए 2k क्या है, कांस्टेंट है, तो a बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी त्वरण यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा यानी नियत होगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा ना ही शून्य होगा, वो क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को, फिर मैं आगे क्वेश्चन लेके बढ़ रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। कह रहा है क्वेश्चन, एक पिंड एक्स अक्ष की दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक एक्स समय टी सेकंड के साथ समीकरण एक्स बराबर 2 - 5t + 6t² मीटर के अनुसार परिवर्तित होता है पिंड का प्रारंभिक वेग है ऑप्शन नंबर ए -5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी -3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी 3 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। कह रहा है कि एक पिंड एक्स अक्ष की दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक एक्स समय टी सेकंड के साथ समीकरण एक्स बराबर इतना मीटर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो पिंड का प्रारंभिक त्वरण आपको पता होना चाहिए कि पिंड के प्रारंभ यानी जब पिंड स्टार्ट करेगा तो उस समय टाइमिंग क्या होगी, 0 होगी, लेकिन ये दूरी दिया है तो लिखेंगे हम लोग आंसर, चूँकि एक्स बराबर 2 - 5t + 6t² समीकरण एक कीजिए, समीकरण एक को डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, तो जब आप समीकरण एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई क्या होगा, dt इक्वल्स टू 2 तो 0 हो जाएगा, -5 + 6 × 12t होगा, ये क्या हो गया, भी वही कहलाएगा, u कहे या भी कहे, -5 + 12t, ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। लिखेंगे चूंकि
गति प्रारंभ होने के समय ये बताइए, जब पिंड गति प्रारंभ करेगा उस समय भी का मान क्या होगा? जीरो होगा। जब भी का मान जीरो होगा तो उस केस में ये क्या होगा, माइनस फाइव प्लस 12 टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना 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 ना, भी जीरो नहीं होगा उस केस में, क्या होगा टाइमिंग क्या हो जाएगी, जीरो होगी। जब स्टार्ट करेगा उस केस में टाइमिंग जीरो होगी, इसलिए भी बराबर क्या होगा, माइनस फाइव प्लस 12 इंटू जीरो, तो भी बराबर कितना हो गया, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब पिंड प्रारंभ करने वाला होगा उस समय टाइमिंग को क्या लेंगे हम लोग दोस्तों, जीरो लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े अच्छे लेवल के, एक दो क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, चलिए इसे आप देख लीजिए। चलिए अगला मैं क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तब उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है, वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, जब फेंका जाएगा तो ये क्या होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। उस केस में आप ले सकते हैं कि ये हाइट है उसका अधिकतम पूछा है ना एच, ये हो गया। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है दोस्तों। चूंकि नीचे से पिंड को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर, तो अब देखिए क्या होगा, यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नीचे से कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और फाइनल वेलोसिटी क्या, पिंड की ग्रेविटी कहाँ लगती है, जी, लेकिन पिंड कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसलिए जी न लग के क्या लगेगा दोस्तों, माइनस जी। तो भी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यू की जगह तो यू होगा माइनस टू जी एच, तो टू जी एच इक्वल्स टू क्या हो गया, यू स्क्वायर, इसलिए एच बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बाई टू जी। चूँकि ये मैक्सिमम हाइट है इसलिए लिखेंगे एच मैक्स,
एच मैक्स बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये बन गया यू स्क्वायर अपॉन टू जी। यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं क्या दोस्तों, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो कह रहा है कि वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, त्वरण शून्य होगा। वेग अब देखिए, जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, ये तो होगा ही नहीं। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, ये भी नहीं होगा। त्वरण अधिकतम होता है, ये भी नहीं होगा। वेग शून्य होता है, ये ऑप्शन सही है। जैसा कि ये है, अगर आपसे पूछेगा कि एच मैक्स की वैल्यू होता है तो यू स्क्वायर अपन क्या होगा, टू जी। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, डी ऑप्शन क्या है सही है। तो ठीक है, तो अब ये ऑप्शन कौन सा सही है, ये डी सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ। तो अब आगे देखेंगे हम लोग, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।